हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की टैगलाइन आपने पढ़ी होगी, कसम राम की खाएंगे पर्यावरण बचाएंगे। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा? कभी किसी महान व्यक्ति ने एक कसम खाई थी, कसम राम की खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये लाइन ये थी, तो उसको चेंज करके अभी मैंने ये लिखा है, कसम राम की खाएंगे पर्यावरण बचाएंगे। तो वो उस समय के हिसाब से था, मंदिर अब बन रहा है, अब वो कसम खाने की मुझे जरूरत नहीं है, ना ही किसी को भी है। तो जहां पे कसम खाई थी मंदिर बनाने की, मंदिर वहीं बन रहा है। पर आजकल के हिसाब से, आजकल का अगर समय देखें, जिस हिसाब से प्रदूषण हो रहा है, जिस हिसाब से दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो हमें अब ये कसम खाने की जरूरत है, कसम राम की खाएंगे पर्यावरण बचाएंगे। तो पर्यावरण बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि अभी दिवाली में सब इशू करते हैं पटाखों को लेकर के, तो उसका अल्टरनेट जो मैंने निकाला वो ये देखिए। हाँ हाँ, जल्दी करो। और जैसा कि आपने देखा, अगर मान लो हमें शोर करके ही सेलिब्रेट करना है दिवाली को, जरूरी नहीं कि हम पटाखे ही दिखाएं, कुछ और भी कर सकते हैं। मैंने गुब्बारे दिखा लिए। सेम चीज अगर मैं क्रिसमस की बात करूं, आज क्रिसमस डे, आज मैंने ट्री प्लांटिंग की है, तो क्रिसमस पे भी लोग ट्री लेके आते हैं, प्लास्टिक का ट्री लेके आते हैं, उसमें फिर प्लास्टिक के एलिमेंट्स लगाते हैं जो भी। तो अब प्लास्टिक से भी पोल्यूशन होता है, उसका भी अल्टरनेट कुछ सोचा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम दिवाली को ही इशू बनाए हमेशा कि दिवाली पे पटाखे से पोल्यूशन होता है। क्रिसमस पे भी अगर हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं ट्री, तो उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। तो हम चाहें तो असली ट्री भी लगा सकते हैं। तो मैंने आज असली ट्री लगाए, वो आप देख सकते हैं वीडियो में, अभी आपको दिखाऊंगा। आपके दिमाग में कुछ सुझाव है कि हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी जरूरी नहीं मैं क्रिसमस पे ही कर रहा हूँ, क्रिसमस के पहले भी करता था, वो आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस में। अभी मैंने आज किया है, वो भी आप देख लीजिए। और आपको अगर कोई सुझाव लगता है कि हाँ हमें और क्या करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताइए। और उस महान व्यक्ति का नाम क्या था जिसने कसम खाई थी, उसका भी आप नाम बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। और आप वीडियो देखें जो मैंने आज किया।